वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रारंभिक का स्वागत है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एयरक्राफ्ट में कूलिंग करना। तो अब हम कूलिंग की हमें जरूरत क्या पड़ गई? तो सबसे पहले बात यह है कि कूलिंग की हमें जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जब इंजन चल रहा है तो उसकी भी गर्मी आ रही है, बाहर से जो सन है उसकी भी गर्मी आ रही है, उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको बाहर निकालना है ताकि हमारे जो पैसेंजर्स हैं, हमारा जो एयरक्राफ्ट है अंदर से कंफर्टेबल रहे। ठीक है, सारी चीजें हमारी कंफर्टेबल रहे। अब क्या हो रहा है कि कंफर्टेबल लगाने के लिए हमने बोला कि जब कोई अगर पूछ सकता है कि अगर आप हाइट पे जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, लेकिन कम तो है लेकिन जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी आ रही है, इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो कहां जाएगी? तो वो हम अलग अलग तरीके से उसको हम निकालेंगे। तो पहला सिस्टम है क्लास, पहला सिंपल कूलिंग सिस्टम, यहाँ पर इवोपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, डायग्राम इतने सिंपल है बेटा, ध्यान रखिएगा कि जो आप डायग्राम बुकों में है वो मत बनाइएगा, जो मैं बना रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। अब ये जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, चाहे बीटेक के हैं, चाहे वो पीएचडी वाले हैं, ठीक है, जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ बस ये याद रखिएगा, बुकों में जो डायग्राम है वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, ये गारंटी मेरी है। चाहे वो आप पीके नाग उठा लो, चाहे डीएस कुमार उठा लो, चाहे बंसल, जो भी आपका मन करे, कोई राइटर, दुनिया का कोई राइटर उठा लो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक एयरक्राफ्ट का ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है, यहां पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यह बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यहां पर आप लगा हुआ है डिफ्यूजर, यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है डिफ्यूजर। ठीक है, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये हमने 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, इसी डिफ्यूजर को यहां पर बोलते हैं रैम इफेक्ट, रैम इफेक्ट। ठीक है, रैम इफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ द रैम इफेक्ट जो होता है वो होता है एक्चुअल एक्चुअल प्रेशर डिवाइड बाई आइडियल प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखिएगा एफिशिएंसी ऑफ द रैम, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्चुअल में, मतलब P2-P1 डिवाइड बाई P2-P1। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमको लगाना है अपनी टरबाइन, हमें लगाना है अपना ब्रेटन साइकिल, लगा दीजिए। ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर, या जिसको बोलते हैं हम लोग मेन कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर। ये मेरी टरबाइन है, ठीक है, यहां से ये एग्जॉस्ट निकाल रही है, फैन लगे हैं एग्जॉस्ट के। ठीक है, यहां पर मेरा कंबर्शन चैम्बर है, ठीक है, यहां पर क्या है एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहां पर एक आपका हीट एक्सचेंजर लगा दिया, हीट एक्सचेंजर। अब जो एयर कंप्रेस होके आएगी वो इसके थ्रू हम पास करवाएंगे, ठीक है, इसके थ्रू पास करवाएंगे, मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है, इसका भी 3 पॉइंट हो गया। जो यहां से एयर प्रेशर आ रहा होगा, जो हीट आ रही होगी यहां हीट एक्सचेंजर से, यहां से हम हीट रिलीज करेंगे जिसको हम बोलेंगे Q2, और यहां पर हीट सप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे हम Q1। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम लगाएंगे कूलिंग टरबाइन, ये वर्क नहीं प्रोड्यूस करेगी, इसको बोलेंगे कूलिंग, ठंडे करने वाली, कूलिंग टरबाइन, जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। फिर यहां से जो एग्जॉस्ट निकलेगा वो आपका जाएगा केबिन में, यानी कि Q2- कह लो उसको चाहो तो, फिर क्या चला जाएगा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा बाहर, एटमॉस्फेयर से। तो 3, 4, 5 और ये 6, यहां से क्या होगा, यहां से एक फैन लगा होगा यहां पर, जिससे आपका जो एग्जॉस्ट है वो बाहर निकल रहा होगा। तो यहां प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई, ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत हो बोलो, यहां तक किसी को बात समझ में आ रही हो तो बोलो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके पीवीटीएस डायग्राम के ऊपर।
चलिए पीवीटीएस के डायग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट करिए, फिर हम डिटेल में जाते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ऐसा सिंपल डायग्राम है बिल्कुल, जो आपको बहुत ही सिंपल डायग्राम जो बुकों में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इतना नोट कर लिया सब लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। डिफ्यूजर जो है, हमने बोला डिफ्यूजर या रैम इफेक्ट। रैम इफेक्ट का मतलब क्या था? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू प्रेशर एनर्जी। भाई डिफ्यूजर का काम क्या है? डिफ्यूजर आपका ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, यानी कि जो वेलोसिटी को घटाना, प्रेशर को बढ़ाना, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू प्रेशर एनर्जी कॉल्ड रैम इफेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? रैम इफेक्ट बोलते हैं टेक्निकली। दूसरा, जो यूज हुआ है, दिस सिस्टम इज गुड फॉर ग्राउंड सरफेस कूलिंग एंड लो फ्लाइट स्पीड। ये सिस्टम वहां इस्तेमाल होता है जहां पर फ्लाइट की स्पीड कम हो। दूसरा, कूलिंग सिस्टम जो ग्राउंड सर, मतलब जो कार्गो टाइप के शिप होते हैं, जहाज होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बनाते हैं टीएस डायग्राम। तो पहला मेरा एंबिएंट सबसे कम टेम्परेचर, उससे ज्यादा केबिन का प्रेशर, फिर रैम एयर, ठीक है, उसका मेन प्रेशर। तो हमने बोला कहां से स्टार्ट होगा? वन से टू कौन सा हमारे पास? टू है रैम इफेक्ट, यानी कि वन से टू और टू से थ्री। ठीक, वन से टू, देखो यहां से वन से टू, ये भी कॉन्स्टेंट, टू से थ्री कॉन्स्टेंट, ठीक है, और थ्री से फोर, फिर ये क्या हो रहा है? कूलिंग हो रही है। फोर से फाइव एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है, फोर से फाइव एंट्रोपी कॉन्स्टेंट, और फाइव से सिक्स फिर कूलिंग है। तो ये डायग्राम जो है वो ओपन ही रहता है, ये नीचे तक नहीं आएगा, ये डायग्राम यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम यहां से चलेगा, यहां पर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में क्लोज लूप इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यहां पर हीट एक्सचेंजर का यूज नहीं किया गया है, हीट एक्सचेंजर हटा दिया गया है, इसलिए सारा का सारा साइकिल कैसा है? ओपन साइकिल है। तो जितने भी डायग्राम बनेंगे सारे के सारे ओपन साइकिल बनेंगे। चलिए बात करते हैं अब प्रोसेस टू। वन टू टू स्टेडी फ्लो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी का H1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड टू, H2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय टू। वर्क डन और हीट जीरो है, हमने बोल दिया है। अब V2 क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो यहां से V1 होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन V2 यहां क्या होगा? भाई करंट एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है, तो V2 का लेवल होगा जीरो। तो हमने इसको जान लेगा, ये तो मेरा जीरो हो ही गया। ठीक है, बात खत्म हो गई। H2 माइनस V1 का स्क्वायर, इसको निकाल लिया अंदर, H को तोड़ लिया CPT में, तो CPT2 माइनस T1 V2 डिवाइड, ये क्या होगा? V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब T2 डिवाइड बाय ये CP को इसके नीचे ले गए, CP हमको पता था गामा R डिवाइड बाय गामा माइनस 1 होता है, वैल्यू पुट कर दो किसी यहां पर, CP यहां पर वैल्यू पुट कर दी, ऊपर चला गया। तो T2, अब यहां से T1 हमने से कॉमन निकाल लो, T1 यहां पे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस गामा माइनस 1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 गामा R T1, ये जूल पर केजी में होगा। अब ये जो वैल्यू होती है वो साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर की होती है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? एयर की वेलोसिटी, यानी कि T2 डिवाइड बाय T1 क्या हो गया? 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अब V1 अपॉन C1 क्या होता है? मैक नंबर होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, T2 डिवाइड बाय T1। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। अब देखो मैं यह लिख देता हूं, प्रोसेस जो हम चल रहे हैं 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 चल रहे हैं, तो हम क्या चल रहे हैं? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो क्या चल रहा है? T1 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस K1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहां से प्रेशर निकाल लो, P2 ये इधर जाएगा, P2 डिवाइड बाय P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1। ठीक है, जो निकालना हुआ निकल जाएगा, ये हमें कंडीशन इस्तेमाल करनी है। इतना नोट करिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं, इसको रब करिए, थोड़ा लेंथी है, मैं एक डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूं, बाकी सारे के सारे ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इतना नोट करिए सब लोग। चलिए आगे बात करते हैं प्रोसेस 2 to 3। अब मैंने ऐसा थी लगाई नहीं, डायरेक्टली लगा दिया प्रोसेस 2 to 3, कंप्रेसर MACP T3 माइनस T2, प्रोसेस 3 to 4 क्यू हीट रिजेक्ट हो रही है MACP T3 माइनस T4, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, आप लोग अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। प्रोसेस 4 to 5 MACP माइनस T4 माइनस T4 माइनस T5, प्रोसेस 5 to 6 हीट जो केविन में सप्लाई हुई S6 माइनस S5 या MCP T6 माइनस T5। COP का होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय W नेट, यानी केविन का इफेक्ट डिवाइड बाय W ऑफ कंप्रेसर वर्क। ठीक है, MCP डायरेक्टली कट जाएगा, तो ये मेरा COP फाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये PV डायग्राम है 1 से 2, 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट,
सॉरी एंट्रोपी कांस्टेंट 2 से 3 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, फिर टरबाइन लगी हुई है, फिर क्या हो रहा है, केबिन है, तो बात खत्म हो जाएगी। ये जो इस्तेमाल होगा 1 टन कैपेसिटी तक का ही इस्तेमाल होगा इस तरीके का सिस्टम। अब इसी का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल हुआ है, सिंपल कूलिंग सिस्टम विद एवोपरेटर। अब हमने क्या किया, उसमें एवोपरेटर लगा दिया, कुछ नहीं करना, सिंपल। चलिए देखते हैं, पहला ये डायग्राम है मेरा, ये मेरा एम्बिएंट है, एम्बिएंट कंडीशन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर क्या लगाया हुआ था, ये रैम एयर थी, रैम एयर, इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, ठीक है। यहां पर क्या था, टरबाइन थी, मेन कंप्रेसर था, ठीक है, उसके बाद कंबर्शन चैम्बर था, सीसी, कंप्रेसर, टरबाइन, या जिसको हमने बोला था मेन कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर, ठीक है। यहां से हम Q1 सप्लाई कर रहे होंगे। अब यहां से जो एयर आ रही है उसको हमने पहले क्या किया, हीट एक्सचेंजर से पास करवाया, ये मेरा हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, ठीक है, इससे हमने एयर निकाली, पास हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसी हीट को हमने निकाल के फिर एक इवोपरेटर से पास करवाया, ये कोई इवोपरेटर लगा होगा ऐसे, ठीक है, ये मेरा इवोपरेटर है, ठीक है। यहां प्रेशर कांस्टेंट, यहां प्रेशर कांस्टेंट 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। अब यहां से क्या लगा हुआ है, कूलिंग टरबाइन लगी हुई है, कूलिंग टरबाइन है, कूलिंग टरबाइन के बाद आपका क्या लगा हुआ है, केबिन है, जिसमें पैसेंजर आपके है, सारा कॉकपिट जिसको बोलते हैं, 6 और ये 7, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से Q2 डैश बोल दो और इसको Q3 बोल दो, ठीक है, यहां बोल दो केबिन, बोल दो सी, बोल दो केबिन, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर ये डायग्राम ये सिंपल हो जाता है, इतनी किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां पर किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें डायग्राम PVTS की बात करते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, इतना हो गया सबका। चलिए अब इनके बात करते हैं PVTS की। देखो सबसे पहले मेरा है सबसे कम प्रेशर एम्बिएंट, बाहर वाले का प्रेशर, फिर उससे कम केबिन प्रेशर, उससे ज्यादा केबिन प्रेशर, फिर उससे ज्यादा रैम एयर, सबसे ज्यादा मेन कंप्रेसर, सबसे ज्यादा प्रेशर इसका रहेगा मेन कंप्रेसर का। अब हम बात करते हैं 1 से 2, 2 से 3, तो एक लाइन होगी एंट्रोपी कांस्टेंट है, 1 एडमिट प्रेशर है, 2 रैम एयर है, 3 हमारा मेन कंप्रेसर है। अब 3 से 4 क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, 3 से 4 हीटिंग हो रही है, ठीक है, सॉरी कूलिंग हो रही है, यहां से यहां तक ये भी कूलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद 4 से 5 ये भी कूलिंग है, 4 से 5 कूलिंग है, फिर 5 से 6 टरबाइन लगी हुई है, 5 से 6 टरबाइन एंट्रोपिक कांस्टेंट है, 5 से 6 और 6 से हमारा 7 केबिन बना हुआ है। यहां पे क्या हो रहा है, हीट हम सप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा अंदर से हीट बाहर सप्लाई हो रही है यहां पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पीवी डायग्राम की, बना लो भाई, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट, 3 से 4 कूलिंग और 4 से 5 भी कूलिंग, 5 से 6 और 6 से 7, ठीक है, ये डायग्राम मेरा बनके तैयार हो गया। अब ये इस्तेमाल वहां होगा जहां पर 45 मिनट से कम की रिक्वायरमेंट होगी कूलिंग के, मतलब सडनली रिक्वायरमेंट हो,
या इससे भी कम समय में कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सिस्टम हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब मेरा अगर यहां बात करूं मैं सीओटी की, सीओटी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हीट, इफेक्टिव हीट यानी क्यू केविन डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट। ठीक, बात खत्म, यहां तक नोट हो गया, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का नोट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेंट सिस्टम। अभी बात करते हैं हम विदाउट इवेपोरेटर की। देखो विदाउट इवेपोरेटर कूलिंग सिस्टम पहला यूज, इसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। तो सिंपल वही डायग्राम हमारा कुछ नहीं है, वही डायग्राम सिंपल बना हुआ है, प्राइमरी हीट। बस यहाँ पर क्या हुआ है, दो कंप्रेसर लगे, एक मेन कंप्रेसर एक सेकेंडरी कंप्रेसर, ये इसको बोल दो C1, इसको बोल दो C2, बात खत्म। ठीक है, तो C1 और यहाँ C2 इस्तेमाल हुए हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर्स का क्वेश्चन पूछा कि बूट स्टक एयर में कितने कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं, तो टू कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं C1 एंड C2, और कितने हीट एक्सचेंजर्स इस्तेमाल होते हैं, टू, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब यहां से कूलिंग हुई, फिर सेकेंडरी कंप्रेसर आएगा, फिर यहां से सेकेंडरी, पहले यहां से कूलिंग होगा, फिर कूलिंग टर्बाइन जाएगा, उसके बाद केबिन बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर पीएस डायग्राम की। तो 1 से 2 क्या है हमारा, रैम एयर, 1 से 2 रैम एयर, 2 से 3 मेन कंप्रेसर, 2 से 3 3 से 4 क्या है, फिर कूलिंग है, 3 से 4 कहीं लगा दो, 3 से 4 फिर कूलिंग है, 4 से 5 फिर क्या है, फिर एंट्रोपी कांस्टेंट है, 4 से 5 एंट्रोपी कांस्टेंट है, फिर 5 से 6 फिर कूलिंग है, 5 से 6 फिर कूलिंग है। ठीक है, और 6 से 7 फिर एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, 7 से 8 फिर कूलिंग है, 6 से 7 7 से 8। ठीक, डायग्राम मेरा बन गया। उसके बाद बात करते हैं हम पीवी डायग्राम की, यानी कि क्या हो रहा है, 1 से 2 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट है, 1 से 2 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर हुई सबको, 1 से 2 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब 2 to 3 फिर 3 से 4 क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, 3 से 4 कूलिंग हो रही है, फिर 4 से 5 फिर एंट्रोपी कांस्टेंट है, 4 से 5 फिर एंट्रोपी कांस्टेंट है, 5 से 6 फिर क्या हो रहा है, 5 से 6 फिर कूलिंग हो रही है, 6 से 7 फिर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, 5 से 6 6 से 7 एक्सपेंशन है। ठीक है, और 7 से 8 फिर कूलिंग हो रही है। ये मेरा डायग्राम बन गया, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। अब हमने क्या किया, इसी को यहां पर हमने बोल दिया कि विदाउट इवेपोरेटर था, फिर बोल दिया विद इवेपोरेटर, दूसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट बन जाएगा विद इवेपोरेटर। अब यहां पर कुछ नहीं कर रहा है, बस यहां पर एक इवेपोरेटर और जोड़ दो बेटा, बस यहां पर इसकी जगह पर पॉइंट बढ़ जाएंगे, यहां पर एक इवेपोरेटर और जोड़ दो, ये बन गया इवेपोरेटर। तो ये बन गया 5 से 6 फिर 6 से 7 बस 6 से 7 7 से 8 8 से 9 बस, और कुछ नहीं होगा, बस डायग्राम में यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इवेपोरेटर जोड़ दिया। अब ये कूलिंग और एडवांस कूलिंग हो गया। अब देखो यहां तक हम आ गए थे 5 से 6 5 से 6 6 से 7। अब ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट यहां से खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 6 से 7 फिर 7 से 8 मैं ये पूरा डायग्राम बढ़ा दे रहा हूं आगे, 7 से 8 ठीक है, 8 से फिर ये 9 कूलिंग पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, ऐसे इसको बना लो, इसको थोड़ा सा इलिब्रेट कर लेते हैं, वही 1 से 2 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 भी एंट्रोपी, 1 से 2 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट,
थ्री से फोर, फिर क्या हो रहा है, थ्री से फोर कूलिंग हो रही है, थ्री से फोर कूलिंग हो रही है, फोर से फाइव फिर एंट्रोपी कांस्टेंट, फोर से फाइव एंट्रोपी कांस्टेंट, फाइव से सिक्स फिर क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, फाइव से सिक्स और सिक्स से सेवन, ठीक है, फिर सेवन से एट क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एट से फिर एक्सपेंशन हो रहा है, टू तक जाएगा, एट सात आठ और आठ से ये नौ फिर कूलिंग हो जाएगा। ये डायग्राम बस इतना सा फर्क आएगा और कुछ भी नहीं है। यहां तक बात क्लियर हुई, ये मेरा चौथा पॉइंट हो गया था, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर आगे चलते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, अगर आप बुकों से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे डायग्राम बने कैसे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम। यहां तक तो हमारा डायग्राम सब सेम ही रहेगा, इसको बोल दिया है प्राइमरी हीट एक्सचेंजर, यहां से जो हीट आएगी वो रीहीट हीट एक्सचेंज में जाएगी, ठीक है, उसके बाद कूलिंग टर्बाइन, यहां पर जो कूलिंग टर्बाइन में बाय चांस अगर हीट आ जाती है तो ये वापस यहां सेंसर लगे होंगे, वापस ये इसको यहां पर भेज देगा कूल करने के लिए, उसका कहां भेजेगा, केबिन में। ये जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होते हैं, रॉकेट में ये सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिनकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ऊपर होती है उस एयरक्राफ्ट में, यानी कि फाइटर प्लेन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट सिस्टम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम की, तो हमने बोल दिया वन से टू रैम एयर, वन से टू, देखो ये सब डायग्राम जो है ना, ये लाइनें खींचूंगी सबकी प्रेशर की लाइन है, वन से टू एंट्रोपी कॉन्स्टेंट, टू से थ्री एंट्रोपी कांस्टेंट, थ्री से फोर फिर कूलिंग है, थ्री से फोर कूलिंग, फोर से फाइव, फोर से फाइव फिर कूलिंग, ठीक है, फाइव से सिक्स, फाइव से सिक्स और सिक्स से सेवन, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए नहीं काउंट हो रहा है क्योंकि यहां पर जो आठ वाला पॉइंट है ये डायरेक्टली यहां से टर्बाइन से लेके ये यहां पे आ जा रहा है, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, बस यहां पर सेंसर लगाया हुआ ताकि हीट जो है, मतलब हीट बाहर आ जाए, पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम ही हमारे पास केबिन के पास ट्रांसफर होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतना नोट करिए, सिस्टम टफ नहीं है, सिंपल नॉर्मली सिस्टम है सारे के सारे, ठीक है। चलिए लास्ट एक पॉइंट और रह गया हमारा, फिर खत्म करते हैं इसको। चलिए आगे बात करते हैं रिड्यूस्ड एम्बिएंट टाइप कूलिंग सिस्टम। एम्बिएंट टाइप कूलिंग में सिस्टम में कुछ नहीं है, डायग्राम वही रहेगा सिंपल, बस यहां पर क्या लगा दिया हमने, जो एक्सपेंशन एक टर्बाइन बढ़ा दी और हीट एक्सचेंजर के साथ जोड़ दी, तो ये वाला जो पॉइंट है हमने जंप कर दिया, तीसरा पॉइंट बोला गया, ये पूरा का पूरा एक ही पॉइंट है, फोर और फाइव पॉइंट, यहां से जो एक्सपेंशन होगा वो हमारा पहले हीट एक्सचेंजर में जाएगा, उसके बाद कूलिंग टर्बाइन में जाएगा, यहां से जो एक्सपेंशन होके आएगा, जो एयर आएगी कंप्रेस एयर कंप्रेसर, वो डायरेक्टली कहां जाएगी, हीट एक्सचेंजर में जाएगी, ठीक है। बाकी उसके बाद सिंपल डायग्राम में कूलिंग में चला जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो स्पार्क होता है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ये सिस्टम बहुत ही कूलिंग, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो एयरक्राफ्ट में सिस्टम में यूज होते हैं सारे के सारे फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों की प्रैक्टिस करेगा, किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से। चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।